हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2023 का सिलेबस। दोस्तों, आरपीएससी ने कल शाम को जो है और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का सिलेबस जारी कर दिया है। यद्यपि आरपीएससी ने सिलेबस इंग्लिश के अंदर जारी किया है, लेकिन मैं आपके लिए हिंदी में लेके आया हूँ। तो इस वीडियो के अंदर अपन सिलेबस की चर्चा करेंगे, एग्जाम पैटर्न की चर्चा करेंगे, साथ ही साथ में इस सिलेबस के अंदर मेन चीज़ आपको क्या पढ़नी है कि जो बिल्कुल कंपलसरी है उसको पढ़े बगैर काम नहीं चलेगा, उसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, ये थर्ड पेपर है, राजस्थान अध्ययन जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान, ये कंपलसरी पेपर है, थर्ड पेपर है। तो ओल्ड जो सिलेबस था और अब जो सिलेबस है उसके अंदर मेन अंतर क्या है कि ओल्ड जो सिलेबस था उसमें 5 पोर्शन थे। एक था राजस्थान के इतिहास का, ठीक है, दूसरा जो पोर्शन था उसके अंदर भाग था वो था राजस्थान का भूगोल, ठीक है, तीसरा जो भाग था उसके अंदर वो था राजस्थान की राजनीति, और चौथा जो भाग था उसके अंदर वो था राजस्थान की अर्थव्यवस्था, और पांचवा जो भाग था उसके अंदर वो था करंट अफेयर्स का। इस प्रकार से 5 पोर्शन थे उसके। लेकिन अब आरपीएससी ने ये जो लेटेस्ट सिलेबस डाला है इसके अंदर क्या किया है, करंट अफेयर्स वाला जो पोर्शन था, पार्ट था, उसको हटा दिया है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं आएंगे, इस भ्रम में मत रहना, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो अलग से आपको पोर्शन तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो सिलेबस है इसी सिलेबस के अंदर विशेषकर इकोनॉमिक्स वाला जो पोर्शन है और राजनीति वाला जो पोर्शन है उसके अंदर और ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है, ये सारे इसमें जो है करंट अफेयर्स के टॉपिक बनेंगे। मैं बनेंगे कैसे वो भी मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। तो सबसे पहले इसमें 4 पोर्शन है और ये आपको पता ही है कि ये जो पेपर होता है वो 100 क्वेश्चन आते हैं इसमें, 50 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। तो इसका मतलब 4 पोर्शन है तो इसका मतलब प्रत्येक पार्ट से 25 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार से टोटल जो हो गए कितने क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन हो गए, 4 पार्ट हो गए, एक पार्ट से 25 क्वेश्चन आएंगे, तो इसका मतलब कितने हो गए, 100 क्वेश्चन हो गए, 50 नंबर मार्क्स का हो गया। लेकिन अब ये तो पेपर सेटर पर निर्भर करता है कि वो प्रत्येक पार्ट से 25 क्वेश्चन देता है या नहीं देता है, क्योंकि पीछे का जो आपका ये एग्ज़ाम हुआ था कॉलेज लेक्चरर का आरपीएससी वाला, उसमें उसने जो है करंट वाला जो टॉपिक था, विशेषकर इकोनॉमिक्स वाला जो टॉपिक था, उसको ही ज़्यादा लोड दिया था। तो ये तो पेपर सेटर पे निर्भर करता है कि वो किस पोर्शन को ज़्यादा वेटेज देता है। ठीक है, तो ये सिलेबस जो है वो आप देख सकते हैं, ये है पहला जो पार्ट है वो है राजस्थान का इतिहास, कला, साहित्य और विरासत। अब इसमें क्या क्या टॉपिक है वो देख सकते हैं। पहला टॉपिक है राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, राजस्थान में मध्य पाषाण स्थलों के विशेष संदर्भ में, निम्बाहेड़ा, बागौर और मंडिया। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक है राजस्थान और उसके शासकों के प्रमुख राजवंशों का कार्यकाल और उपलब्धियां 1000 से 1800 AD तक। ठीक है, तीसरा टॉपिक इसमें है राजस्थान इतिहास में मुस्लिम सत्ता के खिलाफ राजपूत शासकों का राजनीतिक प्रतिरोध, जिसके अंदर रतन सिंह आ जाएंगे, हमीर देव आ जाएंगे, कानड़देव आ जाएंगे, मालदेव आ जाएंगे, चंद्रसेन आ जाएंगे और प्रताप, इनके विशेष संदर्भ के अंदर। तीसरा टॉपिक है इसमें मध्यकालीन राजस्थान में भक्ति आंदोलन एवं सूफीवाद, विशेष संदर्भ है मीरा दादू ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, और इसी के अंदर राजस्थान के संत संप्रदाय जिसमें रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, मल्लीनाथ जी, धन्ना, पीपा, हरिदास, रेदास, जसनाथ और अन्य संत आ जाएंगे। राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियाँ। ठीक है, चौथा टॉपिक इसके अंदर है राजस्थान में राजनीतिक जनजागृति एवं 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। अब इसके अंदर अलग अलग टॉपिक फिर और आ गए, कृषक एवं जनजाति आंदोलन आ गया, प्रजामंडल आंदोलन आ गया, सामाजिक और राजनीतिक जागृति में महिलाओं का योगदान आ गया। फिर राजस्थान इतिहास में 5 का टॉपिक है लोक संस्कृति, लोक संस्कृति में आ गए त्यौहार और मेले, चित्रकला के विभिन्न स्कूल, लोक कहानियाँ एवं गाथाएँ, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक वाद्य, वस्त्र एवं आभूषण, हस्तशिल्प। ठीक है,
फिर राजस्थान के इतिहास में छठा टॉपिक आ गया राजस्थानी भाषा उत्पत्ति और विकास। इसमें मुख्य बोलियां और उनके क्षेत्र राजस्थानी लिपि मुंडिया और देवनागरी। ठीक है, फिर राजस्थान के इतिहास में सातवां जो टॉपिक है आ गया राजस्थानी साहित्य और उसका विकास। इसमें प्रारंभिक काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। आठवां टॉपिक आ गया प्रसिद्ध लेखक और उनके कार्य। और नौवां टॉपिक आ गया पर्यटन और राजस्थान, विरासत, पर्यटन नीति और दृष्टिकोण। ये तो हो गया इतिहास का पोर्शन। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान का भूगोल। तो ये जो पार्ट है राजस्थान का भूगोल सेकंड पार्ट, इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, राजस्थान के भौतिक क्षेत्र, नदियाँ और जिले, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, खनिज और ऊर्जा संसाधन, नवनीकरण और गैर नवनीकरण। ठीक है, जनसंख्या, इसकी विशेषताएं, पशुधन, जैव विविधता तथा संरक्षण। फिर है राजस्थान की प्रमुख उपजों का वितरण एवं उत्पादन, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, प्रमुख उद्योग, सूखा और अकाल, मरुस्थलीकरण और पर्यावरणीय समस्याएं, आपदा और महामारी प्रबंधन। ठीक है, ये हो गए सेकेंड पार्ट यानी ज्योग्राफी पोर्शन के कुछ टॉपिक। इसके बाद में तीसरा जो पोर्शन है पार्ट है वो है राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। तो इसमें क्या क्या टॉपिक हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। फिर है राज्य विधानमंडल, राजस्थान हाईकोर्ट, राजस्थान की न्यायिक व्यवस्था, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य महिला आयोग, राज्य सूचना आयोग, लोकायुक्त और महालेखा परीक्षक, मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, संभागीय आयुक्त, जिला प्रशासन, पंचायती राज संस्थाएं और शहरी स्थानीय स्वशासन, सरकारी नीतियां और विधिक अधिकार, नागरिक अधिकार पत्र, सूचना का अधिकार अधिनियम, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, सामाजिक अंकेक्षण, जन सूचना पोर्टल और राजसंपर्क पोर्टल। ठीक है, ये इसके टॉपिक हो गए। चौथा जो पोर्शन है ये है राजस्थान की अर्थव्यवस्था। राजस्थान की अर्थव्यवस्था वाले पोर्शन के अंदर क्या क्या टॉपिक हैं, राजस्थान की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, व्यावसायिक वितरण, प्रमुख घरेलू उत्पादन की संगठनात्मक प्रवृत्तियां, प्रमुख मुद्दे जिसमें कृषि क्षेत्र के अंदर राजस्थान में कृषि क्षेत्र की विशेषताएँ, रबी और खरीफ की प्रमुख फसलें, तेल, बीज और मसालों के विशेष संदर्भ में, सिंचित क्षेत्र और रुझान, प्रवासी श्रमिकों की समस्याएं और उनका पुनर्वास, कृषि ऋण। दूसरा इसमें टॉपिक हो गया पशुधन। तो पशुधन के अंदर पशुधन जनसंख्या की प्रवृत्तियां, राज्य में दूध का उत्पादन। तीसरा हो गया फिर औद्योगिक दृष्टिकोण, इसमें राज्य के प्रमुख उद्योगों के विकास में बाधाएं, राजस्थान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, लघु उद्योगों की भूमिका और बाधाएँ, औद्योगिक बाधाएँ, प्रमुख राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, राजस्थान में सेज, रिको और औद्योगिक वित्त निगम RFC, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण नीति 2020। फिर हो गया सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र के क्या क्या टॉपिक हैं, इसमें है प्राइमरी शिक्षा का हाल के वर्षों में विकास, राज्य सरकार के सामने स्वास्थ्य चुनौतियां, मिड डे मील प्रोग्राम, इंदिरा रसोई योजना। फिर है अगला टॉपिक आधारभूत संरचना का विकास, इसमें हो गया राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, राज्य और ग्रामीण सड़कें, ऊर्जा उत्पादन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं में प्रगति। अगला टॉपिक हो गया राजस्थान में हस्तकला। ठीक है, राजस्थान में हस्तकला। उसके बाद में अगला टॉपिक राजस्थान के प्रमुख निर्यात उत्पाद। अगला टॉपिक है सामाजिक और आर्थिक पिछड़े वर्गों के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई गई प्रमुख योजनाएँ। अगला टॉपिक है विकलांग, वृद्ध, महिलाएँ और बच्चों आदि के विकास के लिए उठाए गए कदम। और लास्ट टॉपिक है राजस्थान में क्षेत्रीय असमानताएं। तो ये तो है सिलेबस। और अब बात करते हैं इसमें एग्जाम पैटर्न की। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से होगा वो देखिए। तो इसमें पहली बात ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, क्वेश्चन जो आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। आपको पता है मैक्सिमम जो मार्क्स होगा वो 50 नंबर का होगा। पूर्णांक जो है इसका पेपर का कितना होगा, 50 नंबर का। नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 100 होगी। ठीक है, इसका मतलब एक क्वेश्चन आधा नंबर का इसके अंदर आएगा। समयावधि होगा 2 घंटे, पेपर का समय कितना होगा, 2 घंटे का। सभी प्रश्नों के अंक क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, प्रतियोगी परीक्षा का माध्यम क्या होगा, हिंदी और अंग्रेजी।
और नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होगी। ये आपके एग्जाम का पैटर्न है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो थर्ड पेपर है, कंपलसरी पेपर है, इसके अंदर चार पार्ट हो गए, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राजव्यवस्था और राजस्थान की अर्थव्यवस्था, ठीक है। और इस प्रत्येक पार्ट के अंदर से 25 क्वेश्चन आएंगे, इस प्रकार से टोटल क्वेश्चन जो हो गए वो 100 हो गए। अब बात करते हैं अपन करंट अफेयर्स की, मैं बात कर रहा था, तो यद्यपि करंट अफेयर्स का जो पोर्शन था वो इसमें हटा दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है वो नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक हैं आपके इन्हीं के अंदर करंट अफेयर्स के टॉपिक भी बनते हैं। कैसे बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको अर्थव्यवस्था के जो टॉपिक तैयार करने हैं तो उसमें मैं दो बातें महत्वपूर्ण बता रहा हूँ आपको। एक तो आपको याद करना है बजट, और एक आपको याद करनी है आर्थिक समीक्षा। इनमें से बहुत क्वेश्चन आएंगे। बजट ये आगामी वर्ष का होता है, आपको बजट तैयार करना है बजट 23-24, तो बजट जो होता है वो आगामी वर्ष का होता है। 23-24 के बजट वाला पूरा आप ये मान लो, अच्छी तरह रट लो, ठीक है, उसमें से बहुत क्वेश्चन आएंगे। दूसरा टॉपिक है आर्थिक समीक्षा, जिसको अपन इकोनॉमिक सर्वे बोलते हैं। तो आर्थिक समीक्षा हमेशा जो है पीछे के साल की होती है, यानी ये गत वर्ष की होती है, 22-23 की। बजट आएगा 23-24 का, आर्थिक समीक्षा 22-23 की। तो ये दोनों आपको अच्छी तरह तैयार कर लेने हैं, ठीक है। इसके अलावा और मेन मेन टॉपिक आपको क्या पढ़ने हैं, इसमें जो बेसिक बातें हैं आपको 20वीं पशु जनगणना पढ़नी है 2019, ठीक है, अच्छी तरह तैयार कर लेना। ये अब ये करंट भी बन गया, इकोनॉमिक्स के अंदर टॉपिक है, ज्योग्राफी के अंदर टॉपिक है, लेकिन ये करंट का टॉपिक भी है। इसके अलावा आपको राजस्थान की जनगणना याद करनी है 2011 की, जनगणना के अंदर बहुत क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा राजस्थान सरकार की योजनाएं, जितनी भी राजस्थान सरकार की योजनाएं वो सारी आपको याद करनी है, तो ऑटोमेटिकली करंट का टॉपिक हो गया ना ये। इसके अलावा इसमें टॉपिक दे रखा है राजस्थानी साहित्य और लेखक। सॉरी दोस्तों, अभी आपने देखा कि इसमें टॉपिक था राजस्थानी साहित्य और लेखक का टॉपिक था ना इसमें, तो राजस्थानी साहित्य और लेखक ये अपने आप क्या बन गया, करंट टॉपिक बन गया है। कैसे बन गया करंट का टॉपिक, ये ऐसे बन गया कि अब करंट में कोई भी पुस्तक जो है किसी लेखक की प्रकाशित हुई है तो उसका उसके बारे में पूछा जा सकता है, तो वो क्या बन गया, करंट का टॉपिक बन गया, ऑटोमेटिकली करंट का टॉपिक बन गया वो। इसके अलावा राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो भी इसमें पूछे जा सकते हैं, तो वो भी करंट का टॉपिक हो गया। इसके अलावा राजस्थान रत्न सम्मान जो है उसके बारे में भी टॉपिक पूछे जा सकते हैं, वो भी करंट का टॉपिक हो गया। इसके अलावा राजस्थान का कोई भी लेखक है या कोई भी साहित्यकार है, उसको मान लो राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर या इंटरनेशनल स्तर पर कोई भी पुरस्कार मिला है, सम्मान मिला है, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी करंट का टॉपिक हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यद्यपि करंट का अलग से पोर्शन नहीं है, लेकिन इन्हीं टॉपिकों के जो है करंट के टॉपिक भी बन जाते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स के अंदर सारे टॉपिक ही करंट के हैं, वो मैंने आपको भी बताया है। इसके अलावा आपका जो राजस्थान का राजनीतिक व्यवस्था है, तो राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था के अंदर भी करंट के टॉपिक बनते हैं, कि हर टॉपिक में करंट का टॉपिक बन रहा है इसमें, तो सारे टॉपिक ही करंट के बन रहे हैं, कोई कुछ भी पूछा जा सकता है। सपोज कीजिए राज्यपाल है, तो राज्यपाल का करंट का टॉपिक आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है, ठीक है, अभी करंट का टॉपिक बन गया। इसी प्रकार से नए संभाग खुले हैं, ठीक है ना, नए जिले बनाए गए हैं तो वो करंट का टॉपिक है, नया CS कौन है, मुख्य सचिव, करंट का टॉपिक है। तो करंट के टॉपिक तो यही टॉपिक हैं, इन्हीं में से करंट के टॉपिक जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब अपन बात करते हैं इतिहास की, तो इतिहास के अंदर भी करंट के टॉपिक बनते हैं। कैसे बनते हैं, मान लीजिए ये लोक देवता है, तो किसी के लिए किसी भी लोक देवता के नाम से मान लो कोई कॉलेज का नाम चेंज किया है, या यूनिवर्सिटी के अंदर कोई डिपार्टमेंट खोला है, या किसी लोक देवता का कोई स्मारक बनाया जा रहा है, या अन्य कोई इस प्रकार की चीज़ बनाई जा रही है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो वो क्या बन गया, वो करंट का टॉपिक बन गया, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक तो तैयार करने हैं, लेकिन इनको करंट के जरिए भी तैयार करना है, यानी इनसे जुड़ी हुई लेटेस्ट जो बातें हैं वो भी आपको इसके अंदर पढ़नी है। बाकी ये जो टॉपिक हैं इनके ऊपर बहुत सारे टॉपिकों पर मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप एक बार देखना वो वीडियो। मैंने तीन तीन तो गाइड सामने रखी हैं, प्लस बुक्स सामने रखी हैं, और उनसे मैटर कलेक्ट करके फिर वो वीडियो जो है वो तैयार किया है।
आप देखोगे तो आपको उसके अंदर जो मटेरियल मिलेगा वो किसी एक बुक के अंदर या किसी एक गाइड के अंदर आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए एक बार मेरे वीडियो ज़रूर देखना। तो ये थी दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न से जुड़ी महत्वपूर्ण बात जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।